पानी की किल्लत के चलते सोसाइटी के लोगों ने किया हंगामा। पंचशील ग्रीन्स 2 सोसाइटी के निवासियों ने किया हंगामा। ग्रेटर नोएडा के थाना बिस्तर क्षेत्र का मामला। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में हाथियों की आमदनी शुरू। रामचंद्रपुर के टिकीदरी में एक घर के बनाया निशाना। घर में रखे अनाज को खाया। इंद्रपुर में घर को बनाया निशाना। जांजगीर चांपा में बसंतपुर बैराज में मिला 7 किलो का विशालकाय कछुआ। मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंसा कछुआ। वहीं गुड़वाल के हेमवती नंदन बहुड़ा विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग में घुसा कोबरा। कोबरा घुसने से कर्मचारियों में अफरा तफरी। अवकाश के चलते परिसर में नहीं थे छात्र। आदमपुर तेंदुआ ने महिला को बनाया अपना शिकार। तेंदुए के हमले से महिला की हुई मौत। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के जनकपुर क्षेत्र का मामला। बुरहानपुर में अनियंत्रित पिकअप वाहन नाले में गिरा। सब्जी लेकर मंडी आ रहा था पिकअप। चालक समेत 2 किसानों की मौत। निम्बोला थाना क्षेत्र के झांझर गांव के पास इंदौर इच्छापुर हाईवे की घटना। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ऑटो पलटा। 10 सवारियों में हुई घायल। घायलों को CSC सुमेरपुर कराया गया भर्ती। दुर्ग में 9 दिवसीय शिव महापुराण एवं शिव महाशिविर का आयोजन। 4 से 12 जनवरी तक भिलाई के वार्ड 33-34 में किया जाएगा आयोजन। कलश यात्रा महाआरती और विशाल भंडारे का भी होगा आयोजन। MCB जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में नगर कीर्तन का आयोजन। पंच प्यारों की अगुवाई में सिख समान ने किया आयोजन। सभी धर्मों के द्वारा जगह जगह पर नगर कीर्तन का हुआ स्वागत। पौड़ी गढ़वाल में गुलदार के साथ आपसी संघर्ष में महिला हुई घायल। ग्राम सभा पांथर के घास काट रही थी महिला। घटना के बाद गांव में दहशत। बुरहानपुर जिले में 2 युवकों ने दूसरे के भाइयों पर किया प्राणघातक हमला। घर में घुसकर चाकू से किया हमला। युवक घायल। शिकारपुर थाना क्षेत्र का मामला। रुद्रप्रयाग में चल रही रामलीला में महिला कलाकारों ने किया अभिनय। रामलीला में महिलाओं के पात्रों को सराहा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं ने किया अभिनय। गुरुद्वार में शिक्षिका के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह कर दी गई विदाई। सेवानिवृत्त पर मायूस नजर आए बच्चे। शिक्षिका सुनील प्रथा सैनी के योगदान को किया गया याद। टीकमगढ़ के ग्राम नया गांव में क्रिकेट खेलने पर गुंडों ने किया प्राणघातक हमला। ग्राउंड में जुआ खेल रहे थे दबंग। रोकने पर किया हमला। पंजाब हरियाणा CM आवास के पास मिला बम। चंडीगढ़ में पुलिस ने इलाके को घेरा। आर्मी भी मौके पर पहुंची। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट मामले में बोले CM धामी। सड़क पर गड्ढा होने से हुआ हादसा। अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार ने मंडवे की खरीद को बढ़ावा देने का किया फैसला। पूर्व CM हरीश रावत ने भी किया स्वागत। अपने आवास पर पाड़ी खाने की दावत। अंकित हत्याकांड को लेकर अहम सुनवाई है आज। हत्या आरोपियों के नार्को टोलोग्राफी टेस्ट की सुनवाई टली। अब 5 तारीख को सुनाएगा फैसला। बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके फूका पुतला। कहा नए साल में सरकार ने जनता को दिया महंगाई का तोहफा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गुरुद्वार पहुंचे और आगामी चुनाव को लेकर बने की रणनीति कहा। प्रदेश में कुछ संगठन के नए जिले मंडल बनाए गए हैं। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने अल अक्सा मस्जिद का किया भ्रमण। इतामार ने यरूशलम मस्जिद का किया भ्रमण। भारी सुरक्षा के बीच घटनास्थल का लिया जायजा। प्रियंका गांधी ने राहुल को बताया योद्धा। अडानी अंबानी बड़े बड़े नेता नहीं खरीद सके मेरे भाई को। और ना ही बिका है ना ही बिकेगा। लोक सेवा आयोग UP में नई वेबसाइट का शुभारंभ। CM योगी ने कहा बार बार नहीं देना हुआ विवरण। जल्द ही UP सेवा चयन आयोग का होगा गठन। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। हिमाचल में बर्फबारी से सड़कें बंद। मध्य प्रदेश में बारिश और ओला गिरने का असर। दुनिया में बढ़ा कोरोना का खतरा। चीन में 22 साल के इंडियन की मौत। चीनी नागरिक की खुदकुशी का वीडियो वायरल।